माय गॉड, हम पूरी तरह से अरेबियन सी से कवर्ड हैं। ये है इंडिया का सबसे पहला अंडर सी टनल, जिसे ट्विन टनल्स कहते हैं। दिस ट्विन टनल इज अ पार्ट ऑफ मुंबई कोस्टल रोड, जो कनेक्ट करता है मरीन ड्राइव को प्रियदर्शनी से, जिसका मतलब है मरीन ड्राइव से वर्ली तक जो पीक ट्रैफिक आर में आपको लग जाते थे 45 मिनट्स, वही रास्ता अब आप तय करेंगे इन जस्ट 8 मिनट्स। मुंबई यानी सपनों का शहर, यहाँ जो कोई सपना देखता है वो जरूर हासिल करता है, अब वो चाहे अपने लिए हो या पूरे शहर के लिए। आज मैं हूँ एक ऐसे रास्ते पर जिसे हम सिर्फ सपने में ही सोच सकते थे, एक ऐसा कोस्टल रोड जो कभी होता है पानी के नीचे, कभी पानी के ऊपर, हिल के नीचे, रिक्लेम लैंड के ऊपर, एक ऐसा इंजीनियरिंग मार्वल जो ना सिर्फ हमें ट्रैफिक से बचाएगा बल्कि मुंबई के लैंडस्केप को बदल देगा। वेलकम टू मुंबई कोस्टल। मुंबई कोस्टल रोड एक स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है फॉर द मुंबई ट्रैफिक चैलेंजेस। ये 29.2 किलोमीटर लॉन्ग फ्रीवे कनेक्ट करेगा साउथ मुंबई को नॉर्थ मुंबई से। एक्सिस्टिंग रोड्स की करंट कैपेसिटी बिल्कुल फुल होने की वजह से इस नए रोड को बनाने के लिए लगभग 111 हेक्टेयर की जमीन सी से रिक्लेम की गई है, जिसमें से 26.5 हेक्टेयर वाज यूज्ड फॉर द रोड एंड इट्स इंटरचेंजेस एंड 14.5 हेक्टेयर टू बिल्ड अ सी वॉल। देयर आर टनल्स, देयर आर ब्रिजेस, so this is a combination of all these various features of civil engineering, and as I said, it would save substantial time. It will take only 10 minutes to reach from Marine Drive to Bandra Worli Sea Link, which otherwise takes 45 to 50 minutes. Marine Lines ke Princess Street flyover se shuru hua ye road filhal do phases mein divided hai. First phase is a 10.58 kilometer segment which runs from Marine Lines Princess Street flyover to the Worli end of the Bandra Worli Sea Link. Phase 2 connect karta hai Varsova se lekar Dahisar tak, jiski length hai 18.5 kilometers. Well, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मरीन ड्राइव, द क्वींस नेकलेस, द फेमस रोड जो हर मुंबईकर के बहुत ही करीब है, बस यहीं तक हुआ करता था एज द पार्टीशन दैट यू सी हियर। But now there has been a widening of this road all the way up till here, जो promenade को अंदर लिया गया है, उसके अलावा एक extended promenade बनाया गया है। So this is now the Mumbai Coastal Road, और बस यहीं से सीधा सीधा जाते हुए this road will also go undersea. I'm quite curious to see how it's going to be. So let's go. टनल यानी समुद्र के नीचे से होते हुए ये भारत का सबसे पहला अंडरसी रोड टनल है जो टू वे बनाया गया है, एक मरीन लाइन रैंप से प्रियदर्शनी की तरफ और दूसरा प्रियदर्शनी से मरीन लाइंस की तरफ। कुछ फॉरेन कंट्रीज जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस में ये काफी कॉमन है, बट इंडिया में ये इंजीनियरिंग मार्वल पहली बार बन रहा है। इनफैक्ट इसे बनाने के लिए यूज किया गया है द लार्जेस्ट टनल बोरिंग मशीन। ये दोनों टनल्स को एक दूसरे के साथ इंटरलॉक करता है एंड अ हाइपरबोलिक कॉर्ड हैज बीन फिक्स्ड टू अवॉइड एंट्री ऑफ वाटर। वाओ, आई कांट बिलीव दिस। तो ये है इंडिया का सबसे पहला सी टनल, व्हिच मींस हम अरेबियन सी के नीचे से जा रहे हैं एक रास्ते में, व्हिच विल डायरेक्टली लैंड अस अप एट द प्रियदर्शनी पार्क। 3 किलोमीटर का ये लंबा सी टनल यू कैन क्रॉस इन जस्ट 3 मिनट्स, no traffic lights, and you can go at the speed of 80 kilometers an hour. Tunnels ke andar saccado ventilation system install kiye gaye hain, jisse constant ventilation hamesha bana rahega. Well, ye tunnel partially under sea aur partially under hill hai, and as of now we are literally 70 meters below the hanging garden at Malabar Hills. Each tunnel is about 3 lanes. The entire tunnel comes with about 6 cross passages. 4 है पेडेस्ट्रियंस के लिए और 2 है व्हीकल्स के लिए, एंड दिस इज फॉर एनी काइंड ऑफ एमरजेंसीज।
Each lane on both the sides of the tunnels are dedicated to BST buses, BRTS, as well as fire brigades or ambulance. और सेफ्टी की बिल्कुल ही चिंता मत करना, बिकॉज ये टनल बनाया गया है एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से. टनल से बाहर आते ही यू विल बी कनेक्टेड टू एन इंटरचेंज जो ब्यूटीफुली पानी के ऊपर एक सर्कुलर मोशन में गुजरेगा. इंटरचेंज वो है जिससे हम रोड पर एंट्री या एग्जिट कर सकते हैं. इट हैज 3 इंटरचेंजेस, सो इन बिटवीन ऑल्सो पीपल कैन क्लाइंब अप ऑन द रोड, वो नीचे भी उतर सकते हैं. तो एक नरीमन पॉइंट, सॉरी नेपिनसी रोड पे एक इंटरचेंज है, हाजी अली पे एक इंटरचेंज है, वर्ली में इंटरचेंज है. तो वो इंटरचेंज की लेंथ ही 15 किलोमीटर के आसपास है. तो दैट प्रोवाइड्स अ वेरी वेरी वाइड कनेक्टिविटी फॉर मुंबईकर्स हु कैन कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस एंड एक्सेस कोस्टल रोड. मैं उसी रास्ते पर हूँ जो बस कुछ मिनटों में मरीन ड्राइव से वर्ली सीलिंग तक कनेक्ट करेगा. मुंबई कोस्टल रोड ना सिर्फ ट्रैफिक कंजेशन को कम करेगा बल्कि पेडेस्ट्रियंस के लिए एक एक्स्ट्रा प्रोमेनाड भी देगा जहां वो आकर रिलैक्स कर सकते हैं या व्यू एंजॉय कर सकते हैं. पहले मरीन ड्राइव पर सिर्फ 3.5 किलोमीटर का प्रोमेनाड हुआ करता था, बट विद दिस न्यू कंस्ट्रक्शन देयर इज एन एक्सटेंडेड प्रोमेनाड ऑफ 7.5 किलोमीटर जो शुरू होता है प्रियदर्शनी पार्क से ऑल द वे अप टू वर्ली तक. साथ ही में मिलेगा एक लैंडस्केप विद लॉट्स ऑफ ग्रीन स्पेसेस व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 10 ओवल ग्राउंड. रिक्लेम लैंड पर समुद्र को चीरकर ये रास्ता बनाना आसान नहीं था. जिस दिन मैं साइट पर गई, आई वाज सरप्राइज्ड टू सी द इंजीनियरिंग दैट गोज इन द मेकिंग. सो दिस इज द मेन ब्रिज दैट इज गोइंग टू कनेक्ट कोस्टल रोड विद द बांद्रा वर्ली सीलिंग फ्रॉम द वर्ली साइड. इंटरेस्टिंगली इनफ द वेट ऑफ ईच स्पैन हियर इज 2100 टन्स एंड इफ यू कंपेयर दैट विद एन एयरक्राफ्ट, द वेट ऑफ वन एयरक्राफ्ट इज 70 टन्स, व्हिच मींस इफ यू पुट 30 एयरक्राफ्ट टुगेदर, दैट्स द वेट ऑफ दिस स्पैन एंड दैट्स हाउ स्टर्डी दिस ब्रिज इज गोइंग टू बी. Along with the study spans, BMC Stormwater Drains Department ने Coastal Road के 4 locations पर 16 flood gates install किए हैं. यही नहीं, an 8.5 meter high sea wall was constructed along a 7.47 kilometer stretch of road to protect the reclamation and prevent flooding during high tide. जहां इतना कुछ urban और infrastructural development हो रहा है, क्या वहां marine life का ध्यान दिया जा रहा है? The project itself is going to provide huge environmental benefits. As I said, इसमें एक तो आपका travel time कम होगा, तो गाड़ियों का जो fuel consumption है वो कम होगा, लोगों को बीच में रुकना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये seamless travel है, तो अपने आप ही air pollution कम होगा. Because it's an access control road, honking नहीं होगी, तो naturally noise pollution बहुत कम होगा. That seawall is a structure, the way it is built, it is going to take care of extreme weather events, storm surges, then pani ki movement, high tides. The South Mumbai Coastal Road is constructed on the monopile foundation. Monopile pillars samandar ke taane mein drill kiye jate hain. Unka fayda ye hai ki it accommodates a wide range of water depths and soil conditions. Ye pillars concrete se bane hue hain, but it is said that iska minimum impact hota hai samudri flora and fauna par. वैसे शूट के दौरान हमने तो यहाँ पर डॉल्फिन्स भी देखे. बट व्हेन वी एक्चुअली स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन एट 2 लोकेशंस, वन एट हाजी अली एंड एट वर्ली, वी फाउंड दिस कोरल कॉलोनीज एंड अगेन वी टुक हेल्प फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी एंड दीज कोरल्स वेर वेरी साइंटिफिकली रीलोकेटेड एल्सवेयर वेयर दीज कॉलोनीज आर फ्लरिश्ड. अथॉरिटीज के मुताबिक ये प्रोजेक्ट तैयार होगा बाय मई 2024 और तैयार होने के बाद दिस रोड विल फैसिलिटेट मोर देन 70,000 व्हीकल्स. कार की स्पीड लिमिट होगी अबाउट 80 किलोमीटर एन आवर एंड मोर इंटरेस्टिंगली इस रोड पर ना कोई ट्रैफिक लाइट होगा ना कोई सिग्नल होगा. एक सीमलेस जर्नी होगी फ्रॉम मरीन ड्राइव ऑल द वे अप टू वर्ली एंड इन द नेक्स्ट फेजेस ऑल द वे अप टू विरार. द रोड फ्रॉम बिंदु माधव ठाकरे चौक वर्ली टू इस्लाम जिमखाना नियर मरीन ड्राइव इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड बाय फरवरी 2nd वीक एंड द गुड न्यूज इज दैट देयर आर नो टोल चार्जेस. The all-new Mumbai Coastal Road is going to cut down on your travel time by more than 70%. मतलब आप अब घर जल्दी पहुंच सकते हैं.
गर्व होता है ये जानकर दैट द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल इज गोइंग टू बी सो एडवांस्ड। इफ द फ्यूचर ऑफ रोड ट्रैवल इज गोइंग टू लुक लाइक दिस, आई कांट वेट टू फास्ट फॉरवर्ड लाइफ एंड एक्सपीरियंस ऑल दीज अमेजिंग फैसिलिटीज एंड अमेनिटीज। इफ यू टू वांट टू ट्रैवल अराउंड इंडिया विद मी, रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू कर्ली टेल्स। अंटिल देन, इट्स मी काम्या जानी साइनिंग ऑफ।